क्या आप जानते हैं फील सीक एट हर्ट क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में आपको कब बोलना चाहिए फील सीक एट हर्ट। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। फील सीक एट हर्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा अफसोस होना या बहुत ज्यादा दुख होना। जैसे मान लीजिए, अगर आपको कहना हो तुम्हारी सेहत के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ या बहुत तकलीफ हुआ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I felt sick at heart to know about your health। यानी तुम्हारी सेहत के बारे में सुनकर बहुत तकलीफ हुआ या बहुत अफसोस हुआ। हो सकता है कि आप सोचे कि इस टॉपिक का इस्तेमाल कैसे करना है, तो फ्रेंड्स मैं आपसे कह दूं, इस टॉपिक का इस्तेमाल आप टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे और वर्ड फील इस टॉपिक का मेन वर्ब है। आपका सेंटेंस जिस टेंस में हो आप फील का वो फॉर्म लिखें। यानी अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो आप फील या फील्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आप फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए अगर आपको कहना हो इसे जानकर बहुत दुख हुआ या बहुत अफसोस हुआ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई फेल्ट सिक एट हर्ट टू नो दिस। यानी इसे जानकर बहुत अफसोस हुआ या बहुत दुख हुआ। मान लीजिए अगर आपको कहना हो यह समाचार सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ या बहुत दुख हुआ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई फील सिक एट हर्ट टू लिसन दिस न्यूज। यानी यह समाचार सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुआ या बहुत अफसोस हुआ या दुख हुआ। अगर आपको कहना हो उस हादसे के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ या बहुत दुख हुआ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई फेल्ट सिक एट हर्ट टू नो दैट एक्सीडेंट। यानी उस हादसे को सुनकर या जानकर बहुत तकलीफ हुआ या बहुत दुख हुआ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि फील सिक एट हर्ट का मतलब होता है बहुत दुख होना या बहुत अफसोस होना।